is a collection of vertex and edges. Right? So this vertex is also called as a this vertex is also called as a node. This is called as a vertex or node. Right? And this is the edge. E stand for edge or maybe sometimes called as a line or maybe sometimes called as a distance. राइट right? तो जैसे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ के अंदर क्या होगा वर्टेक्स होगा एजेस होगा ठीक है तो एजेस एजेस है है ना जो ये आपके पास है, में भी ऑप्शनल हो सकता है मे भी हो सकता है मे भी नहीं हो सकता है बट वर्टेक्स नेसेसरी है ठीक है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जो वर्टेक्स होगा वो हमारा कंपल्सरी है बट एजेस मे भी आपके पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वर्टेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू तो वन और एज इज मे बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी कैन ऑल्सो डिफाइन इन दिस वे राइट एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ट एक्स एटलीस्ट वन रहेगा और एच एज आपके पास जीरो और मोर हो सकता है ठीक है तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको टेक वन सिंपल एग्जाम्पल लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज ये फ्रेंड है आपके पास फ्रेंड एफ वन एफ टू एफ थ्री लेट सपोज एफ फोर सपोज फोर फ्रेंड इज गिवेन ठीक है और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मे बी एफ वन एफ टू से कनेक्टेड होगा ठीक है मैं ओनली आपके पास मैं सपोज फेसबुक के मैं बात कर रहा हूँ या सोशल मीडिया आप कोई भी बात कर सकते हो तो मे बी एफ वन मे बी कम्युनिकेटिंग विद टू ऐसा भी हो सकता है एफ वन एफ थ्री से बात करें एफ थ्री एफ फोर से बात करें ठीक है तो फेसबुक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्राफ थ्योरी ठीक है तो हम इसमें क्या बता सकते हैं कि यहां पे कितने हो? आपके पास ये देखो वर्टेक्स कितने हो सकते हैं वर्टेक्स फोर वर्टेक्स विल बी फोर कितने एजेस आपके पास ये तो आपके पास है लेट सपोज ई वन ई टू ई थ्री ठीक है तो ये आपके पास है ना दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए ग्राफ थ्योरी ये आपका बेस्ट एग्जांपल है ग्राफ थ्योरी के लिए ठीक है इसमें आप और भी बहुत सारे पॉइंट को आप देख सकते हो ठीक है लेट्स यहाँ पे आप देखो कि जैसे वर्टेक्स पॉइंट्स या डॉट्स हम बोलते हैं या एज को लिंक्स या आर्क भी बोला जाता है ठीक है समटाइम्स आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स सपोज हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ए बी सी डी ये हमारे पास ग्राफ की वेन है ठीक है इस ग्राफ में हमें लेट सपोज ये एस ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव की वन है ठीक है तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्टेक्स कितने वर्टेक्स आपके पास है फोर वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस आपके पास क्या है नंबर ऑफ एजेस आपके पास क्या है बेसिकली फाइव एजेस ठीक है तो समटाइम्स टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स को ऑर्डर ऑफ ग्राफ भी बोला जाता है और नंबर ऑफ एजेस को साइज ऑफ ए ग्राफ भी बोला जाता है ठीक है बिकॉज ये एक बार आपका नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है राइट ये हमने एग्जाम्पल बताया आपके पास ठीक है तो ग्राफ में आपके पास मे बी वर्टेक्स एजेस यहां पे गिवेन है तो ये वर्टेक्स फाइव है एजेस सिक्स है ठीक है तो आप ये देख सकते हो ठीक है इसमें हमने एक और पॉइंट बताया है कि नेबर ऑफ डी ठीक है यानी डी के एडजेसेंट में कौन कौन से वर्टेक्स है तो देखो डी के एडजेसेंट में कौन कौन से वर्टेक्स है सी है बी है ए है ई e है देखो सी बी ए तो नेबर ऑफ डी का मतलब ये हो गया कि उसके आसपास कौन से वर्टेक्स आपके पास कनेक्टेड है ठीक है ये तो आपके पास हम ग्राफ की बात कर रहे हैं अब देखो ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वर्टेक्स का मतलब क्या होता है आपके पास ठीक है एक डॉट ठीक है यानी आपके पास जैसे हमने बताया कि फोर फ्रेंड आपस में कनेक्टेड हो गए तो आपके पास फ्रेंड एफ वन क्या हो जाएगा वर्टेक्स हो जाएगा या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो फाइव सिटी है ना फाइव सिटी आपस में लेट सपोज इनकी डिस्टेंस बतानी है तो ये भी आपके पास जो सिटी वन सिटी टू सिटी थ्री सिटी फोर ये क्या हो सकता है वर्टेक्स एजेस का मतलब ये होता है डिस्टेंस या लिंक बोल सकते हो ठीक है हाँ जी अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यो यहाँ पे देखो जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं लेट सपोज मेरे पास ए गिवन है और ये बी गिवन है हमने इस लाइन को ऐसे हमने डिनोट किया सेकेंड पॉइंट में हमने हम इसी सेम चीज को हमने लेट सपोज देयर इज डायरेक्शन ठीक है तो आप दोनों आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है दोनों ग्राफ आपके पास है पर दिस ग्राफ इज कॉल्ड इज ए अनडायरेक्टेड बिकॉज यहाँ पे ए और बी में कोई भी डायरेक्शन नहीं है यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी ये हो सकता है है ना स्टार्टिंग पॉइंट भी ये हो सकता है एंडिंग पॉइंट भी ये हो सकता है एंडिंग पॉइंट भी ये हो सकता है ठीक है यानी अनडायरेक्टेड ग्राफ में है ना आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी ठीक है अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो इस इस इसका मतलब क्या है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग टू बी यानी हमने ए से स्टार्ट किया और बी की तरफ जा रहे ठीक है तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज ए डायरेक्टेड ग्राफ इस ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ ठीक है graph, तो अगर मैं ग्राफ को कैटेगराइज में करूं ठीक है तो बेस्ड ऑन एजेस ठीक है ये आपके पास इसका मतलब क्या हुआ एज हो गया ना तो ये एज और ये एज ठीक है तो ये कैसे भी आपके पास हो सकता है ठीक है तो नॉर्मली आप ये बोल सकते हो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या हो सकता है देर इज ए नो डायरेक्शन क्या हो सकता है कुछ भी डायरेक्शन नहीं हो बट डायरेक्टेड ग्राफ में देर इज सम डायरेक्शन ठीक है आपके पास क्या होगा डायरेक्शन गिवेन होगा लेट्स टेक वन सिंपल एग्जाम्पल फॉर दैट राइट तो एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास हमारे पास ये ग्राफ की लेट सपोज ए बी सी टी और ये ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे ई वन है ई टू है ई थ्री है ई फोर है ई फाइव आपके पास है तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन आपके पास मेंशन नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की मैं बात करूँ तो लेट टेक ए सिंपल एग्जाम्पल एबीसी यहां पे लेट सपोज हमने डायरेक्शन दे दिया है तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ मतलब हर एज में कुछ ना कुछ डायरेक्शन हुआ इसका मतलब क्या होगा ए से स्टार्ट किया सी पे गए इसका आपके पास मीनिंग क्या होगा हम टू आर्स पे जा रहे हैं बी की तरफ जा रहे हैं ठीक है इसका मतलब क्या होगा स्टार्ट फ्रॉम बी और ए की तरफ हम जा रहे हैं ठीक है और कभी भी दोनों मिक्स नहीं हुआ कि कोई सोचे कि कुछ डायरेक्टेड हो कुछ अनडायरेक्टेड हो तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लिखा हो आपके पास व्हाट इज द डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड एजेस अनडायरेक्टेड एजेस का मीनिंग आपके पास क्या होगा ठीक है नाम से ही पता चल रहा है ठीक है कि या तो अनडायरेक्टेड का मतलब आपके पास क्या होगा अगर मैं ए से बी की मैं बात करूँ तो ए से बी की मैं बात करूं तो या तो ए से बी हो सकता है या बी से ए हो सकता है ठीक है यानी आपके पास या तो आप एजेस ए से बी बोल सकते हो या बी से ए बोल सकते हो बट डायरेक्टेड ग्राफ की मैं सॉरी आपके पास डायरेक्टेड एज की मैं बात करूं तो वहां पे ए से बी और बी से डिफरेंट आपके पास होगा ठीक है और किसी किसी एज में आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस गिवेन होगा फोर्टी फिफ्टी गिवेन होगा आपके पास तो यहाँ पे जैसे अगर हम और भी थोड़ा सा डिटेल में मैं यहाँ पे बात करूं ओके तो कई बार आपके पास आप ये देखोगे किसी भी ग्राफ के है ना जैसे किसी भी ग्राफ पे यहाँ पे एक सेल्फ लूप गिवन होता है इसको हम बोलते हैं लूप या फिर सेल्फ लूप ठीक है तो वी होप इस लेक्चर में आपको ये क्लियर हो, हुआ होगा आपके पास कि भाई ग्राफ का टर्मिनोलॉजी आपके पास टोटल क्लियर हो क्लियर होगा कि ग्राफ क्या होता है ठीक है ग्राफ क्या होता है ग्राफ में वर्टेक्स क्या होता है एजेस क्या होता है डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है आपके पास ठीक है तो लेट्स टेक uh, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें लेट्स सपोज ठीक है यहाँ पे ये यह होगा ठीक है अगर मैं इसकी मैं बात करूँ ठीक है देखो यहाँ पे तो ये ये आपके पास क्या एग्जाम्पल हो गया डायरेक्टेड ग्राफ ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ तो मिक्सअप नहीं हो सकता आपके पास ठीक है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आपके पास कि और भी इसके टर्म होते हैं उसको देखेंगे ठीक है थैंक यू